Hi everyone, so let's move towards our today's topic, which is... In this video, we will gonna talk about fifth week. So, fifth week mein kya kya hota hai? Fifth week mein hota ye hai ke jo lens placodes hain aur optic placodes hain, wo banna shuru ho jate hain. Lens placodes basically hote kya hai? Lens placards और optic placards. अब lens से तो आपको समझ में आ जाते हैं आँखों में कुछ लोग lens भी लगाते हैं चश्मों की जगह तो ये तो आँखों की बात हो रही है. Optic lens basically आप जब भी लफ्ज optic आएगा ना आप समझ लें यहाँ आँखों की बात आ रही है और sorry ears की बात आ रही है कानों की और जब optic की बात आएगी ना तो आप समझ लीजिएगा कि यार यहाँ पर eyes की बात हो रही है और lens की बात जो हो वो भी आँखों की बात होती. तो अभी फर्दर हम क्या बात कर रहे थे लेंस प्लेकॉर्ड और ऑटिक प्लेकॉर्ड ये बेसिकली विजिबल होते हैं. अब लेंस प्लेकॉर्ड क्या होता है? लेंस प्लेकॉर्ड बेसिकली ये होते हैं कि आपकी जो आँख है ठीक है ना उसमें प्लेकॉर्ड मतलब प्लेट लाइट स्ट्रक्चर ठीक है. तो जो हमारी एक्टोडर्म है ऑब्वियसली आपको पता है मैं सारी डेवलपमेंट की रिकॉर्डिंग करता है तो एम्ब्रियो जो है वो सी शेप का हो जाता है. बाहर एक्टोडर्म होती है अंदर एंडोडर्म और मेसोडर्म होती है. मेसोडर्म फॉर्म करते हैं बोन्स स्केलेटन वगैरह सॉरी बोन्स और ऑब्वियसली बोन्स स्केलेटन मसल्स वगैरह ब्लड वेसल्स वगैरह. साथ ही साथ एंडोडर्म क्या करते हैं एंडोडर्म और चीज़ें और ऑर्गन सिस्टम इनर लाइनिंग वगैरह बनाता है. एक्टोडर्म स्किन बनाता है तो एक्टोडर्म बाहर होता है. एक्टोडर्म की जो स्वेलन होती है ना एक्टोडर्म फूल जाता है और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है उसे कहते हैं प्लेकोड्स. और जब आँखों की बात हो जब आँखों की तरफ वो आँखों का स्ट्रक्चर बना रहा हो तो लेंस प्लेकोड और जब कानों का बना रहा हो तो ऑटिक प्लेकोड ये स्ट्रक्चर बनाते हैं. दिस इज फॉर्म बाय द थिकनिंग ऑफ एक्टोडर्म. फिफ्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ब्रेन एंड फेस बिकम प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट भी हो जाते हैं फर्दर डेवलप होते हैं. लेंस पिट्स फॉर्म हो जाती हैं साथ ही साथ नेसल पिट्स. अब नेसल कवर्ड जब आएगा तो क्या कहेंगे नाक की बात हो रही है तो नाक की जो जल अब जाहिर सी बात है हर चीज़ जब शुरुआत होती है तो वो एक निचले लेवल से शुरुआत होती है. ऐसा नहीं कि आपकी मतलब आप पहले वीक में आपकी नाक पूरी की पूरी आ जाती है और आँख पूरी हर चीज़ का टाइम होता है. आप अपने आप को तस्वीर करें स्लो मोशन में आप स्लो मोशन में सब देख रहे हैं तो नेसल पिट्स पहले डेवलप होंगी जो आगे चल के नाक बनाएंगी यानी नोज बनाएंगी और लेंस पिट्स आगे चल के क्या बनाएंगी आंखें ठीक है. और ऑप्टिक कप्स भी फॉर्म होते हैं. अब ऑप्टिक कप्स क्या है मैंने आपको कहा ऑप्टिक का लफ्ज है तो ये आंखों से रिलेटेड है तो ऑप्टिक कप्स बेसिकली रेटिना फॉर्म करते हैं ठीक है. और फिफ्थ वीक में मजे की बात क्या है कि एम्ब्रियो सी शेप का तो हो जाता है साथ ही साथ एमनियोटिक फ्लूइड इसको पूरे एम्ब्रियो को इस वीक में कवर कर लेता है. साथ ही साथ अम्ब्लाइकल कॉर्ड फॉर्म हो जाती है. अब अम्ब्लाइकल कॉर्ड क्या होती है? अम्ब्लाइकल कॉर्ड बेसिकली होती है कि आप मदर और फीमेल मदर और प्रेसेंट एम्ब्रियो और प्रेसेंटा के दरमियान एक कनेक्शन होता है ताकि वो खाना पीना आ सके एम्ब्रियो के अंदर और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती हैं ठीक है. अम्ब्लाइकल कॉर्ड बेसिकली एक कनेक्शन होता है. अगर मैं हैंड प्लेट की बात करूं और हैंड प्लेट और फुट प्लेट भी फॉर्म होते हैं फिफ्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में. अब हैंड प्लेट क्या होते हैं और फुट प्लेट क्या होते हैं? हैंड प्लेट बेसिकली आपका जो पाम है ना वो बन जाता है ठीक है ना. अभी वो नहीं होती है उंगलियाँ नहीं बनती ठीक है ना. उंगलियों को क्या कहते हैं डिजिट. तो डिजिट फॉर्म नहीं होते आपका पाम बनना शुरू हो जाता है ठीक है. ये हो गया. अब मैं आपको बताता हूँ अम्ब्लाइकल कॉर्ड क्या होती है थोड़ा मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ. अम्ब्लाइकल कॉर्ड बेसिकली एम्ब्रियो और प्लेसेंटा को कनेक्ट करते हैं ठीक है ना. अब ब्लड की जो सप्लाई है उसको रेगुलेट करने के लिए उनमें दो आर्टरीज होती हैं और एक वेन होती है ठीक है ना. आर्टरीज क्या करती हैं ब्लड को ले जाती हैं ठीक है और वेन्स क्या करती हैं ब्लड को लाती हैं ठीक है. अच्छा इनके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है इनके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे कहते हैं वार्टन्स फ्लूइड. क्या कहते हैं?
Wharton's fluid. अभी ये स्पेलिंग मैं आपको नोट्स में लिख देता हूँ तो आपको इजीली याद रहेगा. बाकी मैंने आपको वेन्स का बता दिया, बाकी न्यूट्रिएंट्स वगैरह की सप्लाई में बहुत हेल्प करते हैं, तो ये कनेक्शन होती. सो गाइज, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड गुड लक.